उंच आणि दिप्पाड 10 कोटींचा गोलू रेडा, 2.5 फूट उंचीची सर्वात लहान पंगनूर गाय, तब्बल 35 लिटर दूध देणारी म्हैस, झुंजीचा कोंबडा, 100 किलो वजन असलेला वैताळ बोकड, असे बरेच प्राणी पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी कृषी प्रदर्शनामध्ये मोठी गर्दी केली होती. याच कृषी प्रदर्शनामध्ये 100 किलो वजनाचा वैताळ बोकड, फायटर कोंबडा, 95 किलो वजनाचा कोहिनूर बिटल बकरा, लाल कंधारी म्हैस या सर्वात हरियाणावरून आणलेला तब्बल 10 कोटी रुपयांचा गोलू रेडा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आणि त्यालाच पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. हत्तीनंतर सर्वात मोठा आणि लांब प्राणी गोलू असल्याचा दावा या रेड्याच्या मालकाने केला. या गोलू रेड्याने आत्तापर्यंत अनेक बक्षिसं जिंकली आहेत, मात्र त्याला सांभाळणं वाटतं तितकं सोपं नाही आहे. या गोलूचा रोजचा आहार कसा आहे, त्याची व्यवस्था नक्की कशी केली जाते, याबाबत खुद्द मालकाने सविस्तर माहिती दिली. और मैं 25 साल से मूरा नस्ल पर कार्य कर रहा हूँ. सबसे पहले हमने जो इसके दादाजी थे गोलू वन जो होता वहाँ से शुरुआत की थी. वो लगातार 11 साल तक लगातार इंडिया का चैम्पियन रहा. उसके बाद कई बुल तैयार हुए, सुल्तान, युवराज, शहनशाह, काफ़ी तैयार हुए, PC 483. यानी गोलू का पोता ये गोलू 2 रखा. इसने 2-3 साल के अंदर जितने भी कंपटीशन लड़े लगभग सभी कंपटीशनों में प्रथम रहा, चैम्पियन बना. और इसकी खासियत जो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फुट के आसपास चौड़ा है. मैं ये कह सकता हूँ अगर जानवरों में सबसे पहले हाथी चौड़ा और उसके बाद इसको मानता हूँ गोलू 2 को. और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5.5 और 6 फुट के बीच की है और लंबाई 14 फुट है. और जो इसका बॉडी वेट है वो 15 क्विंटल है. मैं ये कह सकता हूँ इससे बॉडी वेट सिर्फ जानवर में हाथी का मिल सकता है और जानवर किसी जानवरों में नहीं मिल पाए शायद. और इसके कई एजेंसियों ने जो सीमन का काम करते हैं 10 करोड़ रुपये लगाए, लेकिन मैंने देना नहीं क्योंकि मैंने भी अपना इसका और निकाला डाटा तैयार किया. इसका सीमन 300 रुपये पर डोज बिक जाता है और एक सप्ताह में 700-800 सीमन दे देता है, उसे काफ़ी इनकम हो जाती है. और रही बात है सीमन बेचने की, नहीं मेरे पास 100 भैंसों का फार्म है, उस पर मैं AI करवा कर उनके बच्चे तैयार करता रहूँगा. साल तक का बच्चा मेरा फार्म का 3 या 4 लाख का बिकता है, उससे काफ़ी इनकम हो जाती है. अभी फिलहाल इसका खुराक क्या, क्या इसकी खुराक है? ये 30 किलो सूखा और हरा चारा खा जाता है और 7-8 किलो फीड खा जाता है. और जब बाहर कंपटीशनों में जाता है वहाँ क्योंकि खाना कम कर जाता है क्यों स्ट्रेस मानता है, वहाँ दूध का मड़ा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है. और तो मैं 25 साल से मैं मुर्रा पर काम किया. वैसे तो मेरे पास काऊ भी है, काऊ पर भी काम का मतलब कंपटीशन जा जाते हैं, काऊ का भी कंपटीशन लड़ते उसमें मेरा 3rd, 2nd, 3rd में पोजिशन रहती है. और इस कार्य पर भारत सरकार ने 2019 में मेरे पद्मश्री अवार्ड भी दिया. तो मैं ये कह सकता हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसा बोल, वैसे कोशिश हमारी फिर भी है, इसका बेटा तैयार कर दिया है, वो अपनी एज में 1st आता रहा, शायद इस प्रकार मैं भी तैयार ना कर पाऊँ. ये भगवान और जो कि इसके कारण से भारतवर्ष की पब्लिक ने मेरे को बड़ा प्यार कर रही है और मेरे को आशीर्वाद दे रही है, वो इसी का कारण है. अभी फिलहाल सब लोग देखने के लिए आते हैं, देखो कल क्या रिएक्शन रहते हैं. कल भी मेरे ख्याल में कोल्हापुर के आसपास की जनता ने 10,000 लोगों ने इसको देखा होगा. ये तो कोई नई बात नहीं, जहाँ भी जाता है जौन से राज्य में जाता है उसी राज्य के लोगों को अपने आप ही बुला लेता है. ये इसमें अपना वो है और समझदारी इतना, ये हमारे फार्म पर इसका स्विमिंग पूल भी है, AC रूम भी है और TV भी लगा. मैं ये कह सकता हूँ ये इंसान से भी ज़्यादा समझदार है, TV भी देखता है और अच्छाई और बुराई को भी समझता है, इतने इसके अंदर गुण है. इसको हम डेली मिक्स फीड जिसके अंदर सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार और तरह के गुड़, नमक, DOC वगैरह डाल के हम इसकी मिक्स फीड तैयार करते हैं. फिर उसको उबाल के या गर्म पानी दे के उसमें देते हैं. दोनों टाइम का 20 किलो दूध पीता है. सुबह से लेके शाम तक कैसा उसका देखभाल करते हो आप? क्योंकि गर्मी में भी बोलते हैं। इसके लिए अलग से हमने आदमी लगा रखे हैं, तो उसको सुबह जॉगिंग वगैरह करा के लेते हैं, शाम को जॉगिंग करवा के लेते हैं. खुद का इसका स्विमिंग पूल है, उसमें इसको नहलाते हैं.
और सर्दियों में इसके लिए अलग से एसी लगा रखी, इसका अलग से रूम है। यासोबतच या कृषी प्रदर्शनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरात असलेली सर्वात कमी उंचीची पंगनूर गाय देखील ठेवण्यात आली होती। ही गाय 3 वर्षांची असून तिची उंची 2 फूट 5 इंच एवढी आहे। ती दिवसाला 4 ते 5 लिटर दूध देते। हे प्रदर्शन तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा।